अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय फर्स्ट व्लॉग। और हमेशा मैंने अपनी ट्रैवलिंग की व्लॉग्स शेयर किए हैं, वीडियोस शेयर किए हैं। आज सोचा कि थोड़े घर शर की और मेकअप की वीडियोस शेयर करते हैं। तो पूरे दिन के बड़े ही टफ शेड्यूल के बाद आई एम गोइंग टू सेट माय कबर्ड। तो ये मेकअप मैंने खोला और मैंने सोचा कि इसका एक व्लॉग बना लेते हैं और शेयर करते हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं ना कि आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो फाउंडेशन लगाने के बाद इतने विजिबल क्यों नहीं हो रहे होते, तो ये सबसे अच्छा प्राइमर अगर आप यूज़ करोगे ना, तो जितना अच्छा प्राइमर होगा उतने ही अच्छे फाउंडेशन के रिजल्ट्स आएंगे, चाहे आप फाउंडेशन कोई भी यूज़ कर रहे हो। तो ये मेरा प्राइमर है और ये बहुत फ्लॉलेस है। इसको अगर आप यूज़ करो, इसको लगाने के बाद आपके पोर्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। ये मैं यूज़ करती हूँ और इसके बाद आप ये फाउंडेशन लगा लें या कोई भी फाउंडेशन लगा लें, बहुत अच्छा स्किन का रिजल्ट रहता है, बिल्कुल भी पोर्स नज़र नहीं आते। ये मेरी बहुत ही फेवरेट पैलेट है, आई शेडो पैलेट, और ये कोई अम्मा के ज़माने की आई शेडो किट है। ये मुझे शादी पे मिली थी और पता नहीं कैसे एक्सपायर तो हो जाती होंगी चीज़ें, लेकिन ये स्टिल अभी तक है और इसकी एक्सपायरी भी मेरे ख्याल है कि अभी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त से शेडोज़ हैं पिगमेंटेड, और जो आजकल की न्यू शेडोज़ किट चल रही है ना, ये उसके मुकाबले की है। ये देखो, ये सारे वेलवेट ही हैं और ये बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अभी मैं इसका कोई स्वॉच नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे सब कुछ क्लीन करके वापस रखना है कबर्ड में, क्योंकि मैं अपना कवर क्लीन कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूं। और ये मिस रोज़ का ही जो है वो फिक्सर है, मिस रोज़ का एक प्राइमर है, मिस रोज़ का फाउंडेशन है, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और इससे स्किन पे बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। ये पॉकेट किट्स ब्लशेज़ रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, ये न्यूड है, इससे ना बिल्कुल अच्छी कंटूरिंग भी हो जाती है और एज अ ब्लश भी आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल डेज़ में। ये बहुत ज़्यादा ना ओवरलुक नहीं देता, बिल्कुल न्यूड कलर्स है। और कुछ ये मेरे बच्चों के कारनामे हैं, इसमें ये दो ब्लश तोड़े और उनके कलर्स मिक्स हो गए, पिंक और पीच। तो ये है, अच्छा, जितने अच्छे ब्रशेस होते हैं उतना अच्छा मेकअप का इफ़ेक्ट आता है। ये बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, ये फिक्स प्लस कंपनी के हैं और मिस रोज़ का सबसे अच्छा रिज़ल्ट मुझे प्राइमर का लगता है। ये वाली आई शेडो किट मैंने अभी ओपन नहीं की, अगर कोई कमेंट करेगा तो फिर मैं ये वाली आई शेडो किट ओपन करके दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दफ़ा मैंने यूज़ की है। ये मेरे सारे जो है वो यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है, ये सब मैं रूटीन में यूज़ करती रहती हूँ फंक्शंस वगैरह में। ये पॉकेट किट्स हैं ब्लशेज़ की, आप पर्स में भी लेके जा सकते हैं आराम से। हाँ, ये मेन चीज़, कोई भी लिपस्टिक लगाने के बाद आप ये वाला लिप टॉपर लगा लो पिंक फ्लश का, इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है। जैसे हम कशीज़ की ब्राइडल की देखते हैं कि वो लिपस्टिक के ऊपर लगाते हैं ना टॉपर, ये है। और पिंक फ्लश के लिप टॉपर्स बेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे। तो बस ये थोड़े से मैंने आज मेकअप प्रोडक्ट्स अपने निकाले थे उनको सेट करके रखने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसकी छोटी सी वीडियो भी बना लें, वरना मैं तो खाना बना रही थी। आज का मेरे घर के खाने का मेन्यू है हलवा पूरी और रोगनी चने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रोगनी चने अभी तक कितने तैयार हुए हैं। ये तैयार हो रहे हैं रोगनी चने, लेकिन अभी इसमें बहुत पानी है, थोड़ा सा इसमें इमली का पानी डालेंगे और इमली का पानी डालने के बाद ये थोड़ा थिक होने लगेगा और फिर इसको धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। फिर तैयार करेंगे पूड़ियाँ और पूड़ियाँ बनाने के बाद इसको ज़बरदस्त मज़े से खाएंगे शाम में। बस आज की व्लॉग के लिए इतना ही, छोटा सा व्लॉग बनाया था घर के सारे काम के फारिग होने के बाद। तो नेक्स्ट व्लॉग में जैसे आप लोग कमेंट्स करेंगे उस तरह से मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स आप लोगों को शो कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।